नगर पंचायत अध्यक्ष व एसडीएम की अध्यक्षता में 25 प्रस्ताव को मिली मंजूरी। जी हां, आपको बता दें, नगर पंचायत बाबूगढ़ एसडीएम की अध्यक्षता में मंगलवार को बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें वार्ड नंबर 1 से 10 वार्ड के सभी सदस्यों ने बोर्ड बैठक में हिस्सा लेते हुए 28 प्रस्तावों में से 25 प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और उन्हें जल्द ही जल्द करने की मांग की है। वही बैठक में एसडीएम साक्षी शर्मा ने बताया है कि बोर्ड में आए सभासदों की बातों को सुनकर प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। वही प्रस्ताव नंबर 6 में नगर पंचायत सीमा क्षेत्र में कारोबार करने वाले दैनिक विक्रेताओं से साप्ताहिक मासिक यूजर चार्ज नहीं लेंगे और वही नगर पंचायत बाबूगढ़ की सीमा वृद्धि विस्तार किए जाने की स्वीकृति पर विचार और 1 अप्रैल 2023 से प्रस्तावित अनावासिक भावनाओं के भवन करके वार्षिक मूल्यांकन में कमी किए जाने की स्वीकृति पर विचार को लेकर प्रस्ताव रखे गए, जिन्हें जल्द से जल्द कार्य शुरू किया गया। सभासद सुनीता देवी ने बताया कि सभी सभासदों की मौजूदगी में नगर पंचायत के बजट को वही वार्ड नंबर 3 की सफाई कर्मचारी सुनीता ने बताया कि अपने पति की जगह कार्य किया करती थी, जो कि लगभग 20 साल से कर रहे थे। पिछले वर्ष नगर पंचायत से मना कर दिया गया और मेरी 2 माह की सैलरी नहीं मिल रही है। मैं लगातार चक्कर काट रही हूँ। बोर्ड बैठक में 3 प्रस्ताव पर सभासदों की मंजूरी नहीं मिल सकी। बाबूगढ़ से देखिए अभिषेक कश्यप की रिपोर्ट। मैम, अभी बोर्ड मीटिंग हुई है, इस वक्त प्रस्ताव कितने थे और कितने का वो यहाँ पर प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं, क्या है? जी, आज हमारे नगर पंचायत बाबूगढ़ में बोर्ड मीटिंग रखी गई थी, उसमें 28 प्रस्ताव थे, जिसमें 25 पास हो गए और 3 पास नहीं हो पाए। वार्ड, अभी वार्ड नंबर कौन सा तुम्हारा? वार्ड नंबर एक ने शिकायत की है कि 10 नलकूप आए थे और इनके प्रस्ताव मंजूर नहीं किया गया, क्या कहाँ कहाँ लगाए गए और क्यों कब तक इनके प्रस्ताव पास किए जाएंगे? जी, ऐसा नहीं है कि नल नहीं लगाए गए, जहाँ जहाँ जरूरत थी वहाँ वहाँ नल लगाए गए हैं। और अगर ऐसा है कि भाई इनका कहाँ नहीं माना गया है, इनके कही अनुसार नल नहीं लगाए गए हैं, तो उसके लिए भी किया जाएगा, नल लगवा दिए जाएंगे। मैम, अभी बोर्ड बैठक मीटिंग हुई है, कितने प्रस्ताव थे और कितने ये मंजूर किए गए हैं बोर्ड बैठक में और कितने क्या क्या काम हुए हैं क्या नहीं? हमारे आज 28 प्रस्ताव रखे गए थे, उसमें बजट भी था इस साल का। 28 में 25 प्रस्ताव में सबकी सहमति रही है, 3 प्रस्ताव में सहमति नहीं बन पाई। इसमें सभी प्रकार के काम थे, चाहे वो बैलेंस शीट का, चाहे 15वीं की बैलेंस शीट पर विचार करना था, या फिर कोई टॉयलेट के लिए जगह चिन्हित की, या सीमा विस्तार का डिफरेंट काइंड के जो है प्रस्ताव रखे थे। क्या नाम है आपका? सुनीता। और कौन से वार्ड से हैं आप? वार्ड से 3 वार्ड से हैं। अच्छा, क्या मामला जो यहाँ पर आया? मैं पहले अपने आदमी की जगह रखा गया था मुझे, फिर इन लोगों ने मुझे तो मैं हम नौकरी दे देंगे उनकी। कितने साल आपने नौकरी करी? 22 साल नौकरी करी मैंने। तो फिर क्या हुआ? इन लोगों ने ऐसे कह के मुझे लगाए रहे, मैं चलो कभी तो मिलेगी। क्या काम करते थे आप? आज मेरे बच्चे वो सफाई का ही जी करते करते भी मुझे कोई सुविधा नहीं मिली, फिर मुझे जो ठेकेदारी में लग रही उसमें से भी भगा दिया जी चली गई। अस्पताल में कर रही हूँ रात के लिए। आपकी जो वेतन रुकी हुई है कितने दिन की रुकी हुई है? 2 महीने की रुक रही है। वेतन के क्या क्या बोलते हैं उसके लिए? तनख्वाह क्या क्या कहते हैं? नहीं कहते हैं कि मिल जाएगी, बोर्ड मीटिंग बैठेगी, जब मिलेगी बोर्ड मीटिंग बैठेगी, बोर्ड मीटिंग में आज बोर्ड मीटिंग में दिया। क्या कहा इन्होंने? अब इन्होंने कुछ भी नहीं बोला जी, मैं तो ऐसे खड़ी हूँ। आपकी जो नौकरी छुटवाई गई है किसने छुटवाई थी? ये जी मैं तो यहाँ आकर रही मैं कि तुम मुझे इनकी इनका नाम चलता रहेगा, मुझे ड्यूटी जिनके आदमी लंगड़े लूले हो जाए कि वो नहीं करते, जिनके आदमी निकल जाए वो नहीं अपने बच्चों को संभालते, आज मेरे बच्चे जवान हो रहे जब भी सुनवाई ना हो। राजू कर्मचारी कौन है? यहाँ के जमींदार है। वो क्या करते हैं? वो यहाँ के ठेकेदार हैं, जैसे काम देते हैं। तो उन्होंने क्या कहा? मैं वहाँ शौचालय पे पानी, इतनी दूर से पानी ढोने के बाद भी हम शौचालय धो कर, वो बोलेगा तुम घर चली जाओ कल से मत आना, और मैंने कर दिया दफ्तर वालों ने। मैं ठीक है भैया हम चले गए, अगले महीने 2 तारीख को पूरे ये जो 2 तारीख आएगी इसको 1 साल हो जाएंगे हटेंगे, न्याय तो मिला ही ना अभी तक, आदमी की भी नौकरी ना मिली ना अपनी मिली ना कुछ मिला, धोखा ही धोखा मिला मुझे तो।